साथियों, उच्च पद प्रभार के संबंध में एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। विषय संचालनालय द्वारा जारी उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की राज्य स्तरीय पदक्रम सूची में संशोधन किए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र में लेखे की दिनांक 1/4/2023 की स्थिति में जारी उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पदक्रम सूची में अंतर निकाय सम्मिलियन दिनांकों में विसंगति देखी गई है, जिस हेतु संशोधन का एक अवसर दिया गया था। साथ ही संशोधन करने के लिए समस्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों को परिशिष्ट आ के साथ स्पष्ट निर्देश भी दिए गए थे। इस संकुल प्राचार्यों के प्रमाणीकरण सहित जानकारी चाही गई है, अतः समस्त संकुल प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे कि जारी निर्देशों का पालन करते हुए निम्नांकित दस्तावेजों को संकलित कर 2 प्रति फाइल में तैयार कर संबंधित मूल सेवा पुस्तिका लेकर अवलोकन हेतु निर्धारित तिथि में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर में प्रस्तुत हूँ। तो यह विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्थान और दिनांक दिया गया है, इन्हें अपनी जानकारी सही करवानी है। प्रथम नियुक्ति दिनांक आदेश की सेवा पुस्तिका प्रविष्टि पृष्ठ की अभी प्रमाणित प्रति ले जानी है। यदि पदोन्नति हुई है तो उसका आदेश देना है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के संपूर्ण सेवा काल में हुए अंतर निकाय सम्मिलियन स्थानांतरण आदेश की अभी प्रमाणित प्रति ले जानी है। संबंधित के अंतर निकाय सम्मिलियन स्थानांतरण होने की दशा में सेवा पुस्तिका अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की प्रविष्टि पृष्ठ की अभी प्रमाणित कर छाया प्रति देनी। यदि आपकी संस्था में कोई उच्च माध्यमिक शिक्षक कार्यरत है तो संबंधित की फाइलें स्थापना कक्ष प्रभारी स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। संचालनालय द्वारा जारी निर्देश एवं परिशिष्ट आज संलग्न। तो यह उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी मंगाई गई है। उनकी उच्च पद प्रभार में यह त्रुटि रह गई थी कि उनके जो अंतर निकाय सम्मिलियन हुआ है उसे नोट नहीं किया गया था, तो उसमें संशोधन किया जा रहा है वस्तुता सूची में। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।